वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। एसएसपी ने बताया कि जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में सरसावा थाना पुलिस ने एक सूचना पर अवैध असलाह फैक्ट्री चला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा। एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। थाना सरसावा में कल रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक जंगल में काजीबास गांव के जंगल में कुछ युवक अवैध शस्त्र बना रहे हैं और इसमें चुनाव को गड़बड़ी फैलाने के इरादे से ये शस्त्र बनाए जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए वहां दबिश दी, जिसमें कि 3 अभियुक्त पकड़े गए रंगे हाथ वहाँ पर और 2 फरार हुए हैं। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं ये नकुड़ और गंगो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे 35 पूर्ण और अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद हुए हैं, जो अलग अलग बोर के तमंचे हैं और मस्कट भी है इसमें। इससे पूछताछ से पता चला है कि पूर्व में भी ये लोग जेल गए हैं और इस कार्य को करते रहे हैं। ये जो सामग्री है, लकड़ी नाल के लिए सामग्री और इसके अलावा ये कारतूस भी बनाते हैं, ये सारी सामग्री जलालाबाद और यमुनानगर से खरीदी जाती है और वहाँ से खरीदने के बाद ये यहाँ पर मुफीद जगह देखकर इसका निर्माण करते हैं। इनके 2 अन्य साथी भी हैं जो मौके से भागने में कामयाब रहे। उनका कार्य निर्माण करना और इन शस्त्रों को बिकवाने का है। ये पूरा जो एक तमंचा बनता है, इन्होंने पूछताछ में बताया, करीबन 1500 से 2000 रुपये में बनता है और निर्मित होने के बाद में 7 या 8 हज़ार में, कम से कम ये 7 या 8 हज़ार में बिकता है। इसके साथ ही ये पुराने खोखा कारतूस लेकर या नए निर्मित करके उसमें ये कारतूस भर के और नकली कारतूस भी बनाते हैं, जो कि सटीक नहीं होते, परंतु ये इसको बेचते हैं और इसमें ये इससे धन अर्जित करते हैं। जो आगामी चुनाव है इसको देखते हुए इन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी काजीबास के जंगल में और जिस पर पुलिस ने इसको दबिश देकर गिरफ्तार किया है और इसमें 35 शस्त्र बरामद हुए हैं। ये टीम ने जो कार्य किया है इसके लिए थाना सरसावा की टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार है और इन दोनों अभियुक्तों के अन्य अपराध अन्य जनपदों में जो है उनकी भी तलाश की जा रही है और जो अपराधी फरार हुए हैं इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर पूर्ण जानकारी आगे की जाएगी। सर, चुनाव का समय है, अभी कहीं पर इन्होंने कोई सेल आउट किया है, इनको किसी को दिया है, भेजा है, करंट में कोई जानकारी मिली उस प्रकार की? जी, इसमें कुछ लोगों के इन्होंने नाम बताए थे जिनके यहाँ पुलिस ने दबिश दी है और उनका फिलहाल वो घर पे मिले नहीं है। जो अन्य लोग हैं उनकी भी तस्दीक की जा रही है। जो इनके शस्त्र हैं वो आसपास के जनपदों में भी इन्होंने दिए हैं, वहाँ भी हमने पुलिस को सूचित किया है और जो जो लोग इनसे संपर्क में आए हैं इनके अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए भी हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके संपर्क है और कहाँ कहाँ इनका आना जाना हुआ है, वहाँ सभी लोगों को पुलिस घेराबंदी कर शीघ्र गिरफ्तार करेगी। क्या ये पश्चिम उत्तर प्रदेश